वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। और आज हम वर्कशीट नंबर 33 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है ट्राइंगल। बेसिकली ये जो टॉपिक है वो है आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। आपने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रखी होगी, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, SSS दैट इज साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। इसके बाद हमारे पास होते हैं SAS दैट इज साइड एंगल साइड। ओके, तो इसमें जो एंगल है वो क्या है, इंक्लूडेड होने चाहिए दोनों साइड्स के बीच में। थर्ड वन इज एंगल साइड एंगल। ओके, इसमें जो हमारे पास साइड है वो क्या होने चाहिए, दोनों एंगल के बीच में होने चाहिए, इंक्लूडेड होने चाहिए। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है RHS दैट इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ओके, तो बेसिकली ये हमारे टाइप्स होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के। चलिए आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अ ट्राइंगल्स। क्वेश्चन नंबर वन है आपके पास, टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। शो दैट, फर्स्ट आपको शो करना है ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, एंड सेकेंड इज ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो आपके पास यहाँ पे जो ट्राइंगल्स गिवन है वो है हमारे पास ए बी सी। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट आपको ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ए डी जो है वो आपका क्या है, मीडियन है। ए डी इज मीडियन है। आपको शो करना है दैट इज ए बी डी, आपके पास ये जो ट्राइंगल है ए बी डी दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये हमारे पास दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू एन। ओके, तो इन दोनों की हमें कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है। नाउ इन गिवन हमारे पास क्या है, दो ट्राइंगल्स हैं दैट इज ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, एंड ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू एंड बी सी इक्वल्स टू क्यू आर एंड ए डी इक्वल्स टू पी एन। ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हमें प्रूफ क्या करना है वो आपको क्वेश्चन में भी गिवन है कि हमें क्या प्रूफ करना है। हेंस अब यहाँ पे प्रूफ देखिए आप क्या है। सो बी सी, यहाँ पे जो बी सी है वो क्या है, क्यू आर के इक्वल है, इस साइड के इक्वल है, दैट इज हाफ बी सी। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, ये है कि जो साइड है ए डी क्या है, आपके पास मीडियन है, एंड द मीडियन डिवाइड्स द साइड इन टू इक्वल पार्ट। तो अगर ये ए डी है तो ये हमारे बी डी एंड डी सी इन दोनों पार्ट्स को इक्वल डिवाइड करता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। सबसे पहले तो जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल है, और ये जो साइड्स हैं वो आपके पास क्या है, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर एंड दिस इज हाफ बी सी इक्वल्स टू हाफ क्यू आर। और आप इसे क्या लिख सकते हैं, बी डी इक्वल्स टू क्यू आर। ओके, सो ये आपका फर्स्ट क्या है, इक्वल है, एंड ए डी एंड पी आर मीडियंस, क्योंकि ये मीडियंस हो गए। ठीक है, ए डी एंड पी आर मीडियंस। नेक्स्ट हम करेंगे इन ए बी डी। अब यहाँ पे देखिए आप, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एन हमारे पास गिवन क्या है, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू एंड ए डी इक्वल्स टू पी एन। ओके, ए डी इक्वल्स टू जो यहाँ पे ये मीडियन है ये क्या है, इक्वल है, ये हमें गिवन है ऑलरेडी। और इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या निकाला है कि जो बी डी है, जो बी डी है वो किसके इक्वल है, क्यू एन के। एज ए डी एंड पी एन क्या होता है, हमारे पास मीडियन होता है, ये साइड्स को क्या करते हैं, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय साइड 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 रूल। यहाँ पे आपके दिख रही हैं तीनों क्या है, साइड्स से। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इक्वल्स टू ट्राइंगल, सॉरी, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये एंगल बी है और एंगल जो क्यू है वो भी इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी। ठीक है, ये सी पी सी टी क्या है, क्रॉसपेंडिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, आपको पता है अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं तो उसके जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ओके, सेकेंड पार्ट के लिए हमारे पास क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी ए बी एंड दिस साइड ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, ऑलरेडी गिवन है। जो बी सी है हमारे पास वो किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है। एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास क्या मिलता है कि जो एंगल ए बी डी है इक्वल है एंगल पी क्यू एन के। तो ये इक्वेशन हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं
सो ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय एस ए एस रूल. अब यहाँ पे एस ए एस रूल दो साइड्स हैं और एक एंगल है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, एस ए एस रूल. तो ये आपको एग्जाम्पल आई होप क्लियर हो गया हो. सेकेंड एग्जाम्पल भी कुछ इसी तरह से है. आपके पास बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल्स ऑल्टीट्यूड. यहाँ पे आपको अगर ये फिगर है इसकी, ठीक है, बी ई दे रखा है आपके पास, ये जो ग्रीन लाइन है दैट वन, एंड आर टू इक्वल अल्टीट्यूड सी एफ ओके ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग आर एच एस रूल. आपको यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है कि आपको आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल है वो क्या है, एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है. ओके, सो ऐसे क्वेश्चन को स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करोगे, सॉल्यूशन करते रहे गिवन स्पेसिफाई करोगे, उसके बाद आप प्रूफ करोगे, प्रूफ या टू शो कर सकते हो एंड देन प्रूफ. ओके, सो यहाँ पे आपके पास गिवन क्या है, आपको एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, बी ई एंड सी एफ क्या है, टू ऑल्टीट्यूड्स है, और इस अगर ये इक्वल ऑल्टीट्यूड से तो आप लिख सकते हो बी ई इक्वल्स टू सी एफ. प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोस्केल्स. अब प्रूफ करना है आपको ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोस्केल्स, देन क्या हमारे पास क्या हो सकता है कि आइसोस्केल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, आइसोस्केल की ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि उसके दो साइड्स क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं, और जो दोनों साइड्स के जो एंगल्स होते हैं, अपोजिट साइड्स के एंगल्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो ये प्रॉपर्टी है आपकी आइसोस्केल ट्राइंगल की. प्रूफ में हम अपने दो ट्राइंगल लेंगे, वो दो ट्राइंगल्स हम वो लेंगे जिसमें हम ए बी सी जो ट्राइंगल है उसके जो अपोजिट साइड्स हैं उसको हम जो इंक्लूडेड हो, राइट. जैसे हमने यहाँ पर ट्राइंगल लिया बी सी एफ, तो हमारे पास बी सी एंड एफ, एक ये ट्राइंगल है और दूसरा हमारे पास ट्राइंगल है सी बी ई, सी बी ई. ओके, तो यहाँ से हम क्या क्या देख सकते हैं, हमारे पास क्या क्या है, अगेन बी ई इक्वल्स टू सी एफ हमें गिवन है. ओके, सो बी सी फर्स्ट ऑफ ऑल बी सी इक्वल्स टू बी सी, जो ये बेस है दोनों में कॉमन आ रहा है. ओके, सेकेंड हमारे पास एफ सी इक्वल्स टू बी ई, जो हमें गिवन दे रखा है, यानी कि जो इसका ऑल्टीट्यूड है ये भी क्या है, इक्वल है. इसके बाद आपके पास ये गिवन है कि ट्राइंगल बी एफ सी, देख सकते हैं आप यहाँ पे एंगल, और ये ई एंड एन एफ एंगल पे आपके पास राइट एंगल बन रहा है, तो आप इसको भी लेंगे. अब ये तीन जो आपके स्टेप्स हैं, तीन क्राइटेरिया हैं, इससे आप क्या कर सकते हैं, आपका जो दोनों ट्राइंगल है वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है बाय आर एच एस रूल. अगेन यहाँ पे आर एच एस रूल इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बेस और आपका एक राइट एंगल आया, इसलिए आप इसे आर एच एस रूल से प्रूफ करें. ओके, नाउ सो एंगल एफ बी सी, अब यहाँ पे एंगल एफ बी सी हमारे पास ये एंगल है एफ बी सी, और यहाँ पे एफ ई बी सी, ई बी सी. ओके, सो ये दोनों एंगल हम सी पी सी टी से इक्वल दिखा सकते हैं, और इसका मतलब है हमारे पास जो एंगल बी और एंगल सी है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है. सो ए बी गोज टू ए सी गोज टू ए बी, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल. ओके, चलिए अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ट्राई करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर टू आइसोस्केल्स ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बी सी एंड वर्टेक्सेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी. इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट ए, शो दैट ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी. इसके लिए आपको फिगर भी गिवन है, इस क्वेश्चन की फिगर है आपके पास, देख सकते हैं यहाँ पे दो क्या आपके पास ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी एंड बी डी सी. ओके, तो यहाँ पे आपके पास वर्टेक्सेस है ए डी ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी. ए डी को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो ये इंटरसेक्ट करता है बी सी पे, तो हमें शो करना है ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी अगेन. ओके स्टूडेंट्स, इसका आंसर डिस्कस करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, आप ये फिगर देख सकते हैं. आई होप आपको क्लियर हो. ओके, नाउ कम टू द सॉल्यूशन. हमें गिवन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन लिखना है. क्वेश्चन आपको पढ़ के क्लियर होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है, ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, देन आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, सबसे पहले आप फिगर भी इसकी ड्रॉ करेंगे. ऑल्सो अगर आपको क्वेश्चन में फिगर ऑलरेडी दे रखी है, दैट इज़ प्रेटी गुड, बट अगर नहीं है तो आप
क्वेश्चन के स्टेटमेंट समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करेंगे. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो है ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड बी डी इक्वल्स टू सी डी. क्यों ए बी इक्वल्स टू ए सी? क्योंकि हमें दे रखा है कि ए बी सी एंड डी बी सी जो दो ट्राइंगल्स है वो कैसे हैं, आइसोस्केल्स है. तो हम इसे गिवन में लिख लेंगे. टू शो या टू प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी. ओके, देन यहाँ पे आप देन की जगह प्रूफ भी लिख सकते हैं. ठीक, तो यहाँ पे आप प्रूफ भी लिख कर सकते हैं. ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए सी डी जो दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, हम सिंपली उन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेंगे. अब यहाँ पे हमें देखने के हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, या फिर हम क्या जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें से क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं. सो ट्राइंगल ए बी सी जो ये आपके पास बड़ा ट्राइंगल है ए बी सी, आपके पास छोटा ट्राइंगल क्या है ए सी डी. सॉरी स्टूडेंट्स. ओके, तो हमारे पास प्रूफ क्या करना है, हमें ए बी डी, आपके पास ए बी डी आपको प्रूफ करना है. ए बी डी कहाँ है, ये वाला ट्राइंगल. ठीक है, छोटा सा ट्राइंगल ए बी डी. एंड ए सी डी कहाँ है, आपके पास ये ट्राइंगल है ए सी डी. ठीक, तो ये दोनों हमें क्या करने हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं. तो इन दोनों ट्राइंगल में आप देख सकते हैं जो ए बी साइड है, सबसे पहले ए बी जो साइड है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल, क्योंकि ये गिवन है, आइसोस्केल ट्राइंगल का साइड है. ओके, नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि जो बी डी है, बी डी दिस साइड इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि ये जो साइड्स हैं वो किस में आता है आपका ट्राइंगल डी बी सी, और डी बी सी कैसा ट्राइंगल, एक आइसोस्केल ट्राइंगल, तो ये साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. अगेन थर्ड इज हमारे पास ए डी, ये जो साइड है ए डी ये दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसे हम क्या लिख देंगे, ए डी इक्वल्स टू ए डी कॉमन. ब्रैकेट में आपको ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अगेन हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल. ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं बाय एस 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 क्राइटेरियन कॉन्ग्रुएंसी रूल से. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज ए डी इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी शो दैट ए डी बाइसेक्ट बी सी. तो यहाँ पे भी अगेन आप फिगर बनाएंगे. सबसे पहले ए बी सी एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, आपने ए बी सी एक आइसोस्केल ट्राइंगल ड्रॉ किया. ठीक है, आपके पास दे रखा है ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, शो दैट ए डी बाइसेक्ट बी सी. ठीक, गिवन सॉल्यूशन में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गिवन से. टू शो या टू प्रूफ में हम जो हमें प्रूफ करना है वो हम लिखेंगे. ठीक है, ए डी बाइसेक्ट बी सी. अब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि अगर ये ए डी है बाइसेक्ट करता है बी सी को, इसका मतलब है कि ये बी जो बी सी साइड है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. ओके, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि बी डी इक्वल्स टू सी डी. ओके, अगर ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो ये दोनों साइड से हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. ओके, नाउ इन ट्राइंगल बी ए डी एंड सी ए डी, हम दो पार्ट में इस ट्राइंगल को लेते हैं ए बी डी. देख सकते हैं यहाँ पे एक हमने ये ट्राइंगल लिया है और एक हमने सी ए डी ये ट्राइंगल लिया. अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं. सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऑल्टीट्यूड है, ए डी इज़ एन ऑल्टीट्यूड. आप ये मैंशन भी कर सकते हैं यहाँ पे गिवन में दैट ए डी परपेंडिकुलर है बी सी. ठीक है, अब यहाँ पे अगर ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों साइड. ठीक, तो यहाँ पे आप ये स्टेटमेंट एक लिखेंगे, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी ईच 90 डिग्री. ओके, बी सी इक्वल्स टू ए सी गिवन है क्योंकि एक आइसोस्केल ट्राइंगल है एंड ए डी साइड इज़ क्या है इसमें कॉमन है. ओके, सो ट्राइंगल बी ए डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ए डी बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल. ठीक है, इसमें हमारे पास राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज और साइड से कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है. अब हमारे पास ये भी पता है कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स या क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. किसके थ्रू, बाय सी पी सी डी, दैट इज कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सॉरी क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. तो यहाँ पे हम बी डी को इक्वल कर देंगे सी डी के. ठीक है, ये सी ट्राइंगल के पार्ट्स हैं, हेंस ए डी बाइसेक्ट बी सी. ओके स्टूडेंट्स, सो ये सिंपली आपके दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे. आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हो. सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर सब शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।